नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुजफ्फरपुर की तमाम बड़ी खबरें लेकर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। बरमपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित एक होटल से पथ परिवहन निगम के कर्मचारी का शव मिला, सुसाइड नोट भी बरामद। जाँच को पहुँची FSL की टीम। मोदीपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर वार्ड 11 में मनोज कुमार की हुई मौत, मौत के कारण को लेकर भूख और बीमारी का लगाया जा रहा कयास। सांसद निधि से उपलब्ध राशि से नवनिर्मित गोला स्थित श्री गांधी पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन का सांसद अजय निषाद ने किया उद्घाटन। और श्री नारायण संस्कृति चेतना न्यास और चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट नोएडा के द्वारा 3000 छठ व्रती महिलाओं के बीच वस्त्र और पूजन सामग्री का किया गया वितरण। और खबरें विस्तार से। बरमपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी स्थित होटल कौटिल्या के एक कमरे से रविवार को पथ परिवहन निगम के कर्मचारी विजय कुमार सिंह का शव बरामद किया गया। कमरे से पुलिस को सुसाइडल नोट भी मिला है। बरमपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी चौक स्थित कौसल्या होटल के एक कमरे से एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर बरमपुरा थाना की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक की पहचान हो गई है। मृतक का नाम विजय कुमार सिंह और वो सीतामढ़ी जिले के छरटिया गांव का रहने वाला है। मौके पर FSL की टीम पहुंचकर पूरे कमरे तथा होटल की जाँच की। दरअसल मृतक विजय कुमार सितम्बर महीने से इस होटल में रह रहा था और जिस कमरे में वो रह रहा था पिछले दो दिनों से इसी कमरे में बंद था और आज जब कमरे से बदबू देने लगी तो होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक विजय कुमार सिंह के जेब से सुसाइड नोट भी मिला जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया जांच होने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। क्लब रोड स्थित अम्रपाली ऑडिटोरियम में रविवार को मुजफ्फरपुर के प्रथम मेयर रहे स्वर्गीय समीर कुमार की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रथम मेयर रहे स्वर्गीय समीर की स्मृति में रविवार को क्लब रोड स्थित ऑडिटोरियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मेयर स्वर्गीय समीर कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जिले के अधिकांश जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पहुंचे। सभा में उपस्थित लोगों ने पूर्व मेयर समीर कुमार को सरल और सहज स्वभाव का व्यक्ति बताते हुए उन्हें याद किया और उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधान पार्षद दिनेश सिंह ने उनकी हत्या को दुखद बताया और समीर कुमार के हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। वो शरीर एक प्राण थे, हम हमारे बहुत ही नजदीकी मित्र थे। आप लोग भी जब आते थे तो देखे होंगे कि बराबर मेरे साथ रहते थे। हर शहर की राजनीति लड़ाई में जिधर कदम उठाते थे उधर हम भी कदम उठाते थे, या हम जिधर चाहते थे उधर भी चलते थे। और ये जो घटना हुई उससे काफी लोग राहत है, काफी दुखी है। अभी भी काफी दुख है। आज उनका श्रद्धांजलि सभा था, इसमें हम लोग भाग लिए हैं और जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है जो भी निर्णय समाज में होंगे उनके पक्ष में अपराधी को गिरफ्तारी और सजा मिले। उधर पूर्व मेयर स्वर्गीय समीर कुमार के पुत्र और श्रद्धांजलि सभा के आयोजक ने कहा कि नगर के लोगों की सलाह पर उन्होंने इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक उनके पिता के हत्यारे नहीं पकड़े जा सके हैं। अपने परिवार की ओर से उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूर्व मेयर हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। ये आज का आयोजन मुजफ्फरपुर में अब तक उनके लिए कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं हुआ था। उन लोगों को उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं मिला था। सब कुछ गांव से हुआ था। लोगों के अंदर भी इस तरह का इसके लिए आक्रोश था कि घर क्यों ले गए उनके, वो यहाँ के थे, सब लोग उनको यहाँ पर मानते थे। तो उसके लिए परिवार ने सब और चिंतकों ने विचार किया कि यहाँ पर भी एक आयोजन होना चाहिए जिसमें सब लोग आकर अपना अपना बातें रख सकें, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। अभी तक पुलिस से कैसे मिले?
ये पुलिस का कहना है कि इसमें काम चल रहा है, तरीके से कर रहे हैं वो लोग। जो भी चीज़ें हैं, बातें अब तक गुप्त रखी गई हैं हम लोगों से भी, मीडिया से भी। मीडिया में भी एक दो ही चीज़ों को बार बार रोज रोज डाला जा रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर इतनी सारी चीजें गुप्त रखी जा रही हैं तो इसका कुछ रिजल्ट जरूर आना चाहिए। अच्छा, अभी तक की गई कार्रवाई से संतुष्ट है जी? वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक चीजें गुप्त, जैसा उनका कहना है कि चीजें गुप्त रखी जा रही हैं थोड़ी बहुत। जो भी चीजें, शूटर नहीं पकड़ा गया है, ये सब तो है चीजें कि वो नेपाल चला गया है या कहीं भी भाग गया है, तो ये पुलिस की हो सकता है गुप्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं नेपाल में भी पकड़ने के लिए। ऐसा हम लोग आशा रखते हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, जब वो लोग इतना आश्वासन दे रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आएगा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर वार्ड 11 में गरीब परिवार से आने वाले मनोज कुमार की रविवार को मौत हो गई। मोतीपुर प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत के वार्ड 11 में रविवार को मनोज कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक मनोज की पत्नी की बात पर भरोसा किया जाए तो मौत का कारण समय से खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण मनोज की मौत हुई, लेकिन प्रशासनिक पक्ष ने मनोज की मौत का कारण बीमारी बताया है। कैसे अनाज उनाज मिलता है? भादो में मिला रहा, राशन में ना मिला रहा, ना कार्तिक में ना मिला रहा होता। कै किलो अनाज मिलता है? 30 किलो। पैसा कितना लगता है? 110 रुपये। भादो के बाद से अभी अनाज वाज नहीं मिला है कभी? नहीं। कौन डीलर है? मिठनपुरा लक्ष्मी नारायण नगर मोहल्ले के निवासी प्रवीण शंकर दुबे अपने निजी फंड से मोहल्ले की सड़क पर ब्रेकर बनवाकर और सीसीटीवी कैमरा लगाकर मिशाल कायम कर रहे हैं। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण नगर मोहल्ले के निवासी आइडियल मीडिया प्रिंटर के प्रोपराइटर प्रवीण शंकर दुबे अपने मोहल्ले के विकास के लिए प्रयासरत है। अपने मोहल्ले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने निजी पैसे खर्च कर मोहल्ले की सड़क पर ब्रेकर बनवाया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोहल्ले में सीसीटीवी भी लगवा रहे हैं। उनकी सोच है कि सब कुछ सरकार और क्षेत्र के नेता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, स्वयं की क्षमता के अनुसार भी आम लोगों को कुछ करना चाहिए। बनी है, इसके बाद इतना स्पीड में लोग गाड़ी ले जाते हैं और बच्चे सड़क पर खेलते हैं, तो किसी के भी बच्चे मेरे हो चाहे मोहल्ला के, वो एक बैक रोड जाते हैं तो कल एक दुर्घटना हो गई, जिसके कारण हम लोगों ने विचार किया कि इसमें एक ब्रेकर लगाया जाए मोहल्ले में जगह जगह पर कुछ डिस्टेंस पे, कि ब्रेकर से कुछ आदमी स्पीड कम करें जिससे दुर्घटना कुछ कम हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग अपने खर्चे पे इसको लगवा रहे हैं और लाइट भी लगवा रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए। मोहल्ला सब चकचक रहे, अपना दिवाली है तो उसको उसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग भी कल से सफाई अभियान में लगेंगे। कल से हम लोग रोड पे अपना झाड़ू पोछा भी जो है किया जाए, जंगल वंगल सफाई सब करके मोहल्ला को कुछ सुंदर बनाया जाए। सरकार ने रोड बनाई है तो कुछ हम लोग का भी दायित्व है कि अपने तरफ से भी कुछ किया जाए। हम लोग रोड सेफ्टी का काम करते हैं तो अपना प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं। सांसद निधि से उपलब्ध कराई गई राशि से नवनिर्मित गोला रोड स्थित श्री गांधी पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन रविवार को सांसद अजय निषाद द्वारा किया गया। नगर के गोला स्थित श्री गांधी पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सांसद अजय निषाद ने किया। इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह का उद्घाटन भी उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री गांधी पुस्तकालय समिति के सदस्यों द्वारा आगत अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। पुस्तकालय के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने समारोह में उपस्थित अतिथियों को बताया कि इस पुस्तकालय की स्थापना 1938 में की गई थी। स्थापना काल से यह पुस्तकालय समाज सेवा व ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भाजपा सांसद अजय निषाद द्वारा सांसद निधि से उपलब्ध कराई गई राशि से निर्मित यह भवन उद्घाटन करते हुए भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा कि आवश्यकता हुई तो श्री गांधी पुस्तकालय के विकास के लिए और राशि मुहैया कराई जाएगी। गांधी पुस्तकालय के अध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ बाबू के आग्रह पर इस भवन का निर्माण हुआ है, उसी के उद्घाटन के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा विभाग का डिमांड है कि यहाँ जो भवन बनने से आम जो गरीब बच्चे हैं उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो इसका विस्तारीकरण किया जाए, इस पर एक तल्ला और बनाया जाए। मैंने इनको बोला है कि एक तल्ला और बन जाएगा, बच्चे के शिक्षा के लिए कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी, ये मेरा बच्चा। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। रुक क्यों गया केशव? ओफ, ये पॉलीबैग। तनिक ठहरो पार्थ, जानते नहीं ये पॉलीबैग्स अमर है। पृथ्वी इसे नष्ट नहीं कर सकती, मिट्टी इसे गला नहीं सकती। ये तो युगों युगों तक इसी रूप में पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। इसका कोई उपाय केशव? उपाय है पार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वो पॉलीबैग्स त्याग कर कपड़े, जूट या कागज के थैले अपनाए, तभी पृथ्वी पर मानव एवं पर्यावरण दोनों का कल्याण होगा। आप धन्य है भगवान। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बरासा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463-88-4603, 9006-877-392, 8539-85-7777। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अलियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी में खुल गया है उत्तर बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा सभी प्रकार के रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर की सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ यहाँ बजाज तथा HDFC बैंक फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट पर उपलब्ध है। ब्लू स्टार की 75वीं वर्षगांठ और त्योहारों के मौसम में ब्लू स्टार वाटर प्यूरिफायर खरीदने पर सुनिश्चित उपहार पाएं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेस, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस, आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9334900888, और यू मे डायल 9234900888, और यू कैन डायल 9973246300। का एकमात्र एक्सक्लूसिव ब्लू स्टार शोरूम आपके शहर में 75वें वर्षगांठ पर इस त्योहारों के मौसम में सभी प्रोडक्ट्स पे सुनिश्चित उपहार दे रही है, तो एक बार जरूर पधारिए। ब्रेक के बाद सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में सभागार में संकेत नामक संस्था द्वारा रविवार को आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद एवं डॉक्टर संजय पंकज को महाकवि रमन शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज के सभागार में महाकवि रमन शिखर सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर बिहार के कवियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर किरण शंकर प्रसाद एवं डॉक्टर संजय पंकज को महाकवि रमन शिखर से सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत करते हुए कनक जी ने कहा कि महाकवि रमन शिखर सम्मान देने की परंपरा 2009 से आरंभ की गई थी।
तथा अब तक बिहार के 25 साहित्यकारों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही महाकवि रमन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर दो ग्रंथों का प्रकाशन कराया गया। मानव का सेवा की प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति, दृष्टि, दशा, आचार, विचार, प्रेरणा और उत्साह देता है। तो मानवता की सेवा के लिए सबसे बड़ा श्रेय साहित्य को ही है। बीएड कोर्स का शुल्क वृद्धि किए जाने के विरोध में बीएड छात्रों का विश्वविद्यालय में अनशन रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बिहार विश्वविद्यालय के बीएड के छात्रों का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। बीएड के छात्र फीस वृद्धि को लेकर अनशन दे रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार हम लोगों की मांगों को अनदेखी कर रही है। बीएड के छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अचानक फीस में वृद्धि की गई, जिसके लिए कोई भी छात्र तैयार नहीं थे। कई ऐसे छात्र भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। छात्रों द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में आक्रोश मार्च निकालकर खुदीराम बोस स्मारक स्थल से 26 अक्टूबर को या बीबी में कुछ कर आमरण अनशन पर बैठे हैं बीएड के 9 छात्र, जिसमें से 2 छात्रों की हालत बहुत गंभीर है। प्रशासनिक स्वास्थ्य की तरफ से कोई जांच नहीं हुआ, आया चेकअप किया मगर अभी तक लग की मेडिसिन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में 2 सामाजिक संस्थाओं द्वारा रविवार को 3000 छठ व्रती महिलाओं के बीच वस्त्र और छठ पूजन सामग्री का वितरण किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में श्री राम अनुग्रह नारायण जी की पुण्य स्मृति पर श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास और श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से 3000 महिलाओं को छठ पूजा के पूर्व एलईडी बल्ब, पूजन सामग्री तथा साड़ियों का वितरण किया गया। इस दौरान श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास और श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट नोएडा के अध्यक्ष ने कहा कि छठ बिहार का सबसे पवित्र व पारंपरिक पर्व है, जिसे सारी महिलाएं पूरी श्रद्धा और सद्भावना के साथ मनाती है। श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट यहाँ के स्थानीय संस्था श्री चित्रगुप्त एसोसिएशन के साथ मिलकर आज लगभग 3000 लोगों को बांटा जाएगा, छठ व्रतियों को सामान बांटा जाएगा, जिसमें गेहूं है 5 किलो, 2.5 किलो गुड़ है, टिकली है, सिंदूर है और साथ में हम लोग CFL बल्ब दे रहे हैं 2-2 पीस। तो इससे है कि उनका व्रत भी होगा, उनके घर में उजाला भी होगा। हमारी संस्था की यही सोच है कि आज भी जहाँ पे भूख है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे अशिक्षा है, वहाँ हम लोग शिक्षा पहुँचाएँ, वहाँ हम लोग खाना पहुँचाएँ, वहाँ हम लोगों के अंधेरे को दूर करें। ये संस्था हमारी इसी पर काम करती है। मैं राजन श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस चीज़ को कवर करने आए। आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं, छठ पर्व इतना महंगा पर्व है, वो नहीं कर पाते हैं मगर सिर्फ बेचारे मन महसूस के रह जाते हैं। तो हम लोग का कोशिश यही है कि आर्थिक रूप से जो महिला कमजोर है वो भी इस पर्व को पूरे अच्छे से मनाएं। और आज आपके द्वारा यहाँ पे जो इतना भीड़ हुआ है, आज लगभग आप देखिए कि 2500-3000 से ऊपर की पब्लिक वहाँ आई है। छोटी सरायगंज स्थित नव युवक समिति ट्रस्ट भवन सभागार में रविवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरायगंज चौक स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट द्वारा शहीद भगवानलाल स्मारक पुस्तकालय भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ कवियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान कवियों ने आज के परिवेश को देखते हुए अपनी अपनी कविताओं की प्रस्तुति की। साहित्य परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि हर माह के अंतिम सप्ताह में ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कवियों को संगठन से जोड़ना है। नवयुवक समिति पुस्तकालय में विगत 18 वर्षों से नटवर साहित्य परिषद के तत्वावधान में महीने के अंतिम रविवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उसी के अंतर्गत आज भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि लोग आते हैं और नए लोग भी इसमें आते हैं। यहाँ के कवि सम्मेलन की विशेषता यह है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं सब कम कवि हों, बनने वाले कवि हो, सबको एक बड़ा मंच दिया जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।